हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी मैं पोछा लगाने जा रही हूँ, तो ये मैंने पोछा लगाने के लिए पानी गर्म किया था। तो ये पानी गर्म करने के लिए बस उसी में कर लिया था पानी गर्म। तो बस पोछा लगाना है मुझे, और उसके बाद मुझे बनाना है नाश्ता। तो सुबह मैंने थोड़ा नाश्ता बना लिया था, क्योंकि बेटे को स्कूल जाना था और आज उसे सुबह जल्दी जाना था, तो उसके लिए बना दिया था। तो अभी बस झाड़ू पोछा ये काम करके और फिर बनाऊंगी बाकी। साड़ी पहन कर ना पोछा लगाने में थोड़ा सा नहीं बनता है। और अभी ठंड का मौसम है, तो फिर गर्म पानी से ही पोंछा वगैरह लगाते हैं। और क्योंकि ठंडे पानी से पोंछा लगाओ तो हाथ भी काम करना बंद कर देते हैं, तो अभी तो सारा काम गर्म पानी से ही करती हूँ मैं। क्योंकि टंकी का पानी होता है और जो समर वगैरह का पानी होता है ना, तो वो ताज़ा निकलता है, तो उस ताज़े पानी से तो काम हो जाता है, लेकिन जो भरा हुआ पानी होता है ना, उससे काम करना नहीं बनता है। तो आज मैं बनाऊंगी चीले, दाल के चीले हैं और बनाने हैं मुझे बेसन के चीले। तो ये मेरे हस्बैंड को ना ये बेसन दाल इन चीज़ों के चीले बहुत ज़्यादा पसंद है, और पसंद तो हम लोगों को भी है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा कम पसंद है। और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं दाल के बेसन के चीले। तो बस सुबह थोड़ा सा मैंने बेटे के लंच में पैक करने के लिए बना के दे दी थी उसको मैक्रोनी। और अभी मेरी बेटी गई है नहाने, और इसके बाद पोंछा लगाने के बाद मैं जाऊंगी, और उसके बाद आकर बनाऊंगी नाश्ता। क्योंकि चीले वगैरह होते हैं जो वो गर्म ही अच्छे लगते हैं, ठंडे नहीं अच्छे लगते हैं। और फिर घर में जितने मेंबर होते हैं तो उन्हीं के मतलब पसंद से ही चलना पड़ता है। जिसको जो पसंद होता है फिर उसी हिसाब से नाश्ता वगैरह भी बनाना पड़ता है। तो आज तो मेरे हस्बैंड पूरे खुश हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें चीले मिलेंगे जो, क्योंकि उन्हें चीले हद से ज़्यादा पसंद है। हाँ, सूजी वगैरह के चीले नहीं पसंद है, तो वो सूजी के चीले मेरे बच्चों को पसंद हैं, पर मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। उन्हें दाल और बेसन वाली, मतलब मूंग की दाल या किसी और की भी दाल हो, उसके चीले पसंद हैं। तो ये वाला था बेसन का, और काफ़ी अच्छा सिका हुआ था। और इसी के साथ बनाई है मैंने टमाटर, हरी मिर्च और हरी धनिया वाली चटनी, क्योंकि ये चीले हैं जो वो चटनी के साथ ही अच्छे लगते हैं। हाँ, चाय के साथ भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने चटनी बनाई है और चाय मैंने बनाकर पी ली थी। तो बस ये मैं सेक रही हूँ गर्मा गर्म नाश्ता, और ये लोग करेंगे क्योंकि गर्म ही अच्छा लगता है। पहले ये लोग कर लेंगे और उसके बाद फिर मैं करूँगी। फैमिली में सभी की खुशी का ध्यान रखना ही पड़ता है एक औरत को, चाहे वो फैमिली में सास ससुर हों या देवर जेठ हों से।